हम आ गए हैं डॉक्टर्स के पास से। अरे रुक जा बाबा, इसने तो आज आतंक ही मचा दिया। मतलब क्या, आइए सर पधारिए। आई थिंक उसको, अरे उसके पास मत जा, वो मार देगा तुझे। अपनी जगह पे बैठ गया है वाईपी। अब ये तो तू उसको मारने मत चलेगा ना, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। आज आजा छना, आज मैं छनी छना, उसी के अंदर रहेगा क्या। आजा बाहर, आजा 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 बाहर, आजा आजा। गृह प्रवेश कर दे बेटा आपका, आजा बाहर आजा। बस बैठो बैठो बैठो, महाराज बैठिए आप। पानी पीना है, पानी पी लीजिए। थोड़ा सा बैठ जाओ। क्या कर रहे हैं ये दोनों, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। एक मिनट, अरे व्हाइटी को क्या, ब्लैकी को क्या हो गया, ये थोड़ा घबरा गया है। एक मिनट हाँ, दिखाना तो ठीक है, मेरे बच्चों का हो गया, डर गया। अरे बाबा मास्क वास्क हटा, मैं वापस ना बाबा, डर गई थी सारी। अरे बापरे डर गई था, डर गई थी मेरा बापरा। क्या खिलाऊं तुमको, क्रीमी ट्रीट देना पड़ेगा। क्रीमी ट्रीट, थिंक क्रीमी ट्रीट, उनका क्रीमी ट्रीट देना पड़ेगा। बिना ट्रीट के चलेगा ना काम। तो एक हाथ से कैसे निकालो इसको, कहां पे रखो। सीरियसली अब क्रीमी ट्रीट खाने के लिए रेडी है। देखते हैं खाता कि नहीं खाता, खाएगा क्यों नहीं खाएगा। लेटे लेटे खाता है, उठ तो जा आलसी कहीं का। यार ये ब्लू वाले में बहुत कम देते हैं ये वाले। अरे गिर गया मोटे, हो गया तेरा नंबर खत्म। वाईटी चेयर के नीचे बैठा है बेटा, गरीबों जैसे क्यों बैठा है। अले बाबले अले बाबले, चलते 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 चलते। ऐसे 100 पैकेट खा चुके हैं ये इन 2-3 दिनों में। पता नहीं मम्मी ने खाना रेडी किया कि नहीं किया। अरे अरे चलो, उनको दवाई दी है डॉक्टर ने। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, डॉक्टर ने बोला है वाईटी को थोड़ा और
इसको एनेस्थीसिया बहुत ज्यादा लगा था, बेहोशी भी हुआ था दुष्ट, तो इसलिए इसको ज्यादा प्रॉब्लम हुई। बट दो दिन से धूप है तो इसीलिए वो ठीक है, थोड़ा रिकवरी कर रहा है उसकी। अभी आगे मतलब आगे और वो होगा, धूप आएगी कल भी अगर, तो ठीक हो जाएगा ये, और मेडिसिन दी है कुछ खाने के लिए। तो ये तो बिल्कुल ठीक है सर, ये सर तो बिल्कुल ठीक है। कॉल को अभी आना था। तो ये सर बिल्कुल ठीक है, इनको तो कुछ नहीं हुआ, ये ठीक हो जाएंगे क्योंकि ये हेल्थी हैं और इनको एनेस्थीसिया ज्यादा नहीं लगा हुआ था, कम डोज दिया था, इसीलिए ये ठीक है। तो डॉक्टर बता रहे थे कि जैसे किसी को, ये जो पेट्स होते हैं ये अपनी मेंटल हेल्थ से ठीक होते हैं, अगर इनका मेंटल लेवल ठीक है तो इसीलिए वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब इसको ज्यादा एनेस्थीसिया की वजह से इसको हैंगओवर कितना, मतलब नशे में ही रहा, झांझ में ही रहा ये दो तीन दिन तक, तो जिस वजह से ये ठीक, इसका मतलब माइंड इसको ठीक नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इसका इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा था। फिर ये बहुत ज्यादा, एक्चुअली मैंने उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं ऐसे सिचुएशन में उसको वीडियो कैसे बनाती, ये बहुत डिस्टर्ब हो गया था मेंटली, अजीब सी हरकतें कर रहा था, पागल सी। अभी तो बहुत बेटर है, तो आज थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं आज डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर ने चेक किया, बोला ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब मैं टेंशन फ्री हूँ फाइनली, ठीक है। बट अभी भी केयर तो पूरी करनी पड़ेगी, मेडिसिन की चेंज हुई है वो खिलानी पड़ेगी, और खाना पानी कोई भरोसा नहीं इसको, ये वाईटी को मार, ब्लैगी को, अच्छा ब्लैगी को मारने की जाना। चलो हम चलते हैं, थैंक यू आप सबका सपोर्ट के लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।